जी चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन था डाउट में? 0.5 का फोर से पहले कोई रिलेटिव ऑर्डर का मतलब है जो चीज जहां है वही रहेगी, वोवल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन नहीं चेंज करनी, ठीक है ना। तो जैसे वर्ड है अलजेब्रा, है ना, तो ए, तो इन तीनों को इन्हीं पोजीशन पे रीअरेंज करना, ठीक है ना। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है, इन तीनों को इन्हीं तीनों पोजीशन पे रीअरेंज करना है। तो ए को इन्हीं तीनों पोजीशन पे रीअरेंज करने का तरीका 3 factorial बाय, और बाकी चारों को अरेंज करने का तरीका, डन, ये आंसर, ठीक है। और बोलो फोर्थ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ए क्यूब, मतलब ए तीन बार आ रहा है, ए क्यूब का मतलब है ए ए ए बी बी सी 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 When written at full length, मतलब full length का मतलब वही है, a cube को a तीन बार लिखना है, इसका मतलब है full length, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं, 3, 2, 5, 4, 9, तो 9 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial, ये आंसर, ठीक है। फोर्थ, और बोलो फिफ्थ, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल, पी ए आर ए डबल एल ई एल, so that all else do not come together, तो gap method minus करेंगे, sorry अपना tie method minus करेंगे, all l are together, ठीक है। तो p a r a e and l l l, तो इसको एक unit मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factorial divided by, 2 a आ रहे हैं तो 2 factorial, into triple l को आपस में arrange करने का तरीका, l 3 factorial, लेकिन 3 तीनों के तीनों same है तो divided by 3 factorial भी हो जाएगा, तो पी ए डबल ए, हाँ तो बस यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये 720 डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर रहा मैच, तूने क्या किया, ये नहीं आंसर, यही तो है। अच्छा ऑल आर नॉट टुगेदर, तो टोटल माइनस ये करेंगे ना, हाँ टोटल माइनस ये करेंगे, ये तो ऑल टुगेदर कर दिया ना हमने, ऑल आर टुगेदर, तो टोटल केसेस कितने आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 factorial डिवाइडेड बाय 3 factorial, 2 factorial माइनस ये 360, तो 8 factorial 3 factorial, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, और बाकी 3 factorial कटा, 2 factorial का इधर 2 कटा, 5 × 10, बाकी 8 × 7 = 56 × 6, 6 × 6 = 36, 5 × 6 = 30, 30 × 3 = 33, एंड 0, तो 3360 माइनस 360 दैट इज 3000 आ रहा है, ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन, और बोलो फिफ्थ के बाद नाइन्थ, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर डिजिट कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स 1, 3, 3, 0, तो यार सबसे पहले तो इनको अरेंज कर दिया, क्वेश्चन बोलो, ठीक है। तो इसका हमें बताना, फाइंड द रैंक ऑफ द परम्यूटेशन डी ई बी ए सी, है ना, ओके तो ए बी सी डी ई को हमने रीअरेंज किया, तो इस वर्ड का हमें पोजीशन बताना, आप एक काम किया करो, लेटेस्ट वाली बुक से ना पिक खींच के ले जाया करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, हाँ जी। तो ए बी सी डी ई, तो इसकी पोजीशन ढूंढनी है ना, तो ए से स्टार्ट होने वाले 4 factorial, बी से स्टार्ट होने वाले 4 factorial, सी से स्टार्ट होने वाले 4 factorial, डी से 4 factorial, ई से 4 factorial, तो हमें डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, तो अपने टोटल 72 केसेस चले गए। अब इनके 4 factorial केसेस के अंदर डी को फिक्स कर दिया, पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, हमें चाहिए ई, तो पहले ये वाले केसेस 3 factorial 3 factorial 3 factorial, ये वाले जो केसेस है दैट इज 18, 666, ये भी चले गए, तो टोटल 18 और केसेस चले गए। हमें ई का वाला चाहिए था, ई वाले जो 6 केसेस आ रहे हैं राइट, उनके अंदर से एक आंसर है राइट, तो हमने डी ई फिक्स कर दिया, बचा ए बी सी, तो डी ई ए फिर बी फिर सी, हमें चाहिए बी से स्टार्ट होने वाला, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले 2 factorial केसेस और चले गए, तो +2, ठीक है। अब बी को फिक्स कर दिया, तो बचा ए एंड सी, तो पहले आएगा बी के बाद ए सी, फिर आएगा सी ए, हमें क्या चाहिए ए सी, तो इसकी खुद की पोजीशन +1 ऐड कर दो, तो क्या हो गया 3 एंड 10, 13, 93, डन।
और बोलो, हाँ जी ऑनलाइन, और बोलो ऑफलाइन, 17th क्वेश्चन नंबर 17th, अ बायोलॉजिस्ट स्टडी द जेनेटिक कोड, बायोलॉजिस्ट स्टडिंग द जेनेटिक कोड इज इंटरेस्टेड टू नो द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स इन अ चेन, द चेन कंटेन फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, टोटल एक चेन में 12 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल ए एंड सी जी टी, ठीक है, एंड थ्री ऑफ ईच काइंड, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड, यानी कि ए के थ्री हैं, सी के थ्री टाइप के थ्री हैं, जी के थ्री हैं, टी के थ्री हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, बेसिकली टोटल 12 हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन उसने ऐसा दे दिया, टोटल 12 केसेस हो गए ना हमारे पास, तीन ए, तीन सी, तीन जी, तीन टी, वही आएगा, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है कैलकुलेशन में से, ठीक है, और बोलो 22 सुरीति, एस यू आर आई टी आई, कोई बात नहीं, रैंक ऑफ द वर्ड सुरीति ढूंढना है ना, चलो देखो दोबारा देखो, ठीक है, तो सबसे पहले जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिख दिया अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आई, दो बार, ठीक है, तो सबसे पहले आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, एक दो तीन चार पांच, फिर आर से एक दो तीन चार पांच, ठीक है, फिर एस से, फिर टी से, फिर यू से, अब जब आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा तो एक आई बचा और बाकी आर एस टी यू, तो आई आर एस टी यू को अरेंज करके बनेंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, अब जब आर से स्टार्ट होगा तो डबल आई एस टी यू, ये आ गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस, दिस इज 120, दिस इज 60 केसेस, ऐसे इसके भी 60 आ जाएंगे, इसके भी 60 आ जाएंगे, इसके भी 60 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर डबल आई आ रहा है इन चारों के केस में, इधर डबल आई नहीं आ रहा, एक आई इधर आ गया, इधर एक ही आई है, राइट, ओके, तो ये बने तुम्हारे 240, 240, 240, 240, 120, टोटल 360 पोजीशंस अवेलेबल हैं, उसके अंदर से हमें ये वाली पोजीशन चाहिए, यानी कि 180 चली गई तो ये 181 to 240, ये पोजीशंस के अंदर अंदर जाके हमारा ये वर्ड आएगा सुरीति, राइट, तो टोटल कितनी पोजीशंस अभी चली गई, 180 चली गई, राइट, तो इसको ऐड करते रहो, 120 प्लस 60, अब इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए हमने एस को फिक्स कर दिया, राइट, एस गया, अब डबल आई आर टी यू, तो पहले आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, फिर आर से, फिर टी से, फिर यू से, राइट, अच्छा, अब जब सिंगल आई आ गया तो बचा क्या, आई आर टी यू, तो इधर आई आर टी यू को अरेंज करके आएगा, राइट, इधर आर आ गया तो डबल आई टी यू, एंड इधर टी आ गया तो डबल आई आर यू, एंड यू आ गया तो डबल आई आर टी, तो इधर आ गया 4 फैक्टोरियल, इधर आ गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24, इधर 12, इधर 12, इधर 12, तो टोटल चले गए 36 एंड 12, 60 केसेस, तो ये वो 60 केसेस थे जो ऐसे शुरू होने वाले केसेस थे, जो कि 120 प्लस 60 के बाद वाले केसेस हैं, ये वो केसेस हैं, अब हमें क्या जाना है, एस यू पे, है ना, तो हमने, हमें यहां पे जाना है, तो इसके पहले 24, 12, 12 केसेस और चले गए, अब ये 12 केसेस के अंदर हमें जाना, राइट, तो हमने यू को फिक्स कर दिया, एस फिक्स हो गया, यू फिक्स हो गया, बचा डबल आई आर आर टी, तो पहले आई से स्टार्ट होने वाला आएगा, फिर आर से स्टार्ट होने वाला आएगा, फिर टी से, हमें क्या चाहिए, आर से, यानी कि जो आई को फिक्स करके आया वो चले गए खत्म, तो एक आई इधर आया, एस यू आई, तो बचा एक आई आर एन टी, एक आई आर टी को फिक्स करके आया, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 केसेस, तो 6 केसेस और चले गए,
इसके पहले, क्योंकि हमें आर पे जाना है, तो आर को हमने फिक्स कर दिया बच्चा, डबल आई, डबल आई टी। तो इधर आएगा पहले आई, फिर आएगा टी से स्टार्ट होने वाले। अब जब इधर आई आ गया तो बचा एक आई एंड एक टी, तो आई टी को इधर रोटेट करके टू फैक्टोरियल केसेस, राइट। टी को इधर रखे डबल आई आएगा, उसका एक ही केस आएगा। हमें कौन सा चाहिए? टी आई, यानी कि हमें चाहिए इधर टी आई, आई टी आई ना, तो हमें ये वाला केस है। इन दोनों केसेस में से एक केस आंसर हमारा। तो कौन सा आएगा? आई को फिक्स कर दिया, अब आगे आएगा पहले आई टी, फिर आएगा टी आई। हमें चाहिए एस यू आर आई टी आई, राइट। तो ये वाला केस इसके पहले खत्म हो गया, प्लस वन। अब इसकी खुद की पोजीशन भी ऐड करनी है, तो प्लस वन। तो टू एंड ए सिक्स, एट, एट एंड एट सिक्सटीन, थ्री एंड एट इलेवन, इलेवन एंड टू थर्टीन, तो टू थर्टी सिक्स, ठीक है। और बोलो, एट, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम फोर रेड टू व्हाइट थ्री ग्रीन, फोर रेड टू व्हाइट थ्री ग्रीन फ्लैग्स बाय अरेंजिंग ऑल देम वर्टिकली ऑन ए वर्टिकल स्टार। तो बेसिकली इन सबको अरेंज करना है वर्टिकली, तो जितने बनेंगे उतने हमारे सिग्नल बन जाएंगे, बस बात खत्म। तो इनको अरेंज करने का तरीका, 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। और बोलो, 26 प्लस माइनस वाला है ना, क्या बोल रहा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन सो दैट नो टू नेगेटिव साइंस आर टुगेदर। तो कोई भी दो नेगेटिव साइन इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन को प्लस के गैप के अंदर फिल करना है। तो हमने क्या किया, पहले प्लस 6 प्लस को अरेंज कर दिया। अब ये सारे के सारे सेम है, तो 6 प्लस को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, अज्यूमिंग ऑल आर डिफरेंट 6 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे सेम है, जितने दो चीज सेम आते उतने से डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अब अरे नहीं अभी बचा है, क्या कर रहा है, इसके अंदर कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 गैप के अंदर 4 आई को फिल करना है, अरेंज करना है, तो 7p4। लेकिन यहां पे अरेंजमेंट भी हो गई, लेकिन क्योंकि 4 आई की, 4 नेगेटिव साइंस की अरेंजमेंट हो नहीं सकती, चारों सेम है, तो डिवाइडेड बाय, तो दिस इज आंसर, ठीक है। हां जी, और बोलो, 27th and 28th, 27 देख लो पहले, ऑनलाइन डाउट कवर हो रहे हैं सारे कि नहीं, कोई अलग से है तो बोल दो, ऑनलाइन तो 27। हाँ जी, तो जो आपने प्लस वाला करवाया था वो एक बार करवा दूंगी, और वो मेरा नेट पे खराब मिस हो गया था वो। हाँ, तो हमारे पास 6 प्लस है रीच एंड नो टू नेगेटिव साइंस आर टुगेदर, है ना, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइंस को हमें इनके प्लस के गैप में फिल करना है। ओके, तो पहले इन प्लस 6 प्लस से इसको अरेंज करने का तरीका, 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, लेकिन 6 के 6 सेम है, तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल भी हो जाएगा। हाँ जाना, यस सर। अब गैप कितने क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7p4, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट भी हो गई, लेकिन क्योंकि चारों नेगेटिव साइन सेम है, अरेंजमेंट हो नहीं सकती, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल इज टू डिवाइड, क्योंकि सारे सेम है ना हमारे पास। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। 27th, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज्ड, so that first vowels occupy even places, ठीक है। तो vowel कौन कौन से हैं, I, E, E, I, A, E, तो 1 2 3 4 5 6, total है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 factorial, sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, even places कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 even places है और 6 ही vowels है, तो 6 इवन नंबर, 6 वोवल्स को 6 इवन पोजीशंस में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज
सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी बार आ रहा है उतनी बार डिवाइड करना है, तो आई आ रहा है दो बार तो टू फैक्टोरियल, ई आ रहा है तीन बार तो थ्री फैक्टोरियल, दैट्स इट, बाकी एक ए आ रहा है, इनटू अब बाकी जो छह हैं हमारे एन टी आर एम डी टी, छह के छह अलग भी रिपीट हो रहा है, टी दो बार आ रहा है, ओके तो बाकी छह को इन ऑड पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ द टू डबल टी। हाँ जी ठीक है, यस सर ठीक है। सेकंड पार्ट इसका द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल एंड कंसोनेंट डू नॉट ऑल्टर। अब यार इस चीज को समझो कि यही छह पोजीशंस पे हमें इन्हीं छह को अरेंज करना है, तो दैट इज नथिंग बट सेम सिक्स फैक्टोरियल बाय जो जितनी बार आ रहा है, दैट इज टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इनटू बाकी छह पोजीशन पे कंसोनेंट्स को रिपीट करने अरेंज करने का तरीका सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, दैट इज व्हाई फर्स्ट का एंड सेकंड का आंसर सेम था। ठीक है 28th द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ जेड ई एन आई टी एच आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल if all the words are written out as in dictionary, dictionary ke accordingly kitne word banenge hamare, 6 factorial, baat khatam, last what is the rank of the word zenith, to zenith ka rank dhoondna hai, theek hai, dekho तो जो जेनिथ वर्ड का रैंक होगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखो क्या क्या आ रहा है, ई ठीक है, तो सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि ई को छोड़ के बाकी पांचों को अरेंज करना है, इधर फाइव फैक्टोरियल, 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 तो लास्ट वाले फाइव फैक्टोरियल जो केसेस है 120 उनमें हमारा आंसर है, तो उसके पहले पहले क्या चलेगा, फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल दैट इज 120 into 5 that is 600. तो इससे पहले पहले 600 positions गई, clear है यहां तक, right? Next, अब z को fix कर दिया, तो z गया, ठीक है? उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, अब आएगा e से start होने वाला h i n t, हमें क्या चाहिए, e से start होने वाला, यानी कि पहले वाले E से स्टार्ट होने वाले जो पहले फोर फैक्टोरियल केसेस 24 हैं, उनमें ही हमारा आंसर है, राइट? यानी कि 600 के बाद वाले जो 24 केसेस उन्हीं में हमारा आंसर है, तो हमने क्या किया, E को फिक्स कर दिया, तो E भी गया, H I, फिर आएगा H I N T, अब हमें चाहिए N, यानी कि H से स्टार्ट होने वाले थ्री फैक्टोरियल केसेस, I से स्टार्ट होने वाले अगले तीन वर्ड को अरेंज करके थ्री फैक्टोरियल केसेस, तो ये दोनों भी चले गए, फिर N को फिक्स कर दिया हमने, यानी कि 6 एंड 6 केसेस और चले गए, तो प्लस 12 केसेस और चले गए, अब हमने n को फिक्स कर दिया, बचा h i t, पहले h आएगा फिर i आएगा फिर t आएगा, हमें क्या चाहिए, i, यानी कि h से होने वाले 2 फैक्टोरियल केसेस भी चले गए, तो प्लस 2, राइट? ये भी गया, फिर i को फिक्स कर दिया हमने, इधर बचा h t, तो i को फिक्स करके पहले h t आएगा फिर t h आएगा, हमें क्या चाहिए, t h, यानी कि एक पोजीशन और चली गई और उसकी खुद की पोजीशन, तो प्लस 2, तो 4 एंड 2 मतलब 6, तो 1, 6, 616, ठीक है? हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, ठीक है। कॉम्बिनेशंस पीएनसी, चैप्टर का एक्चुअल नाम क्या है, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो पहले पी आ रहा है, पहले सी आ रहा है, पी, तो परमुटेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुके हैं, कहां से आया है वो, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, अब उसी को यूज करके सी को डिफाइन करेंगे, C का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे सब कुछ, उससे पहले C समझते हैं, C है क्या चीज, ठीक है, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है वो समझते हैं, आ जाओ, देखो अब जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन या चूज करना, अब अरेंजमेंट ना नहीं करना, कोई अरेंजमेंट नहीं करना, राइट? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास ए बी एंड सी है,
इसमें से दो लेटर्स को चूज करना है, अरेंज नहीं करना, सिर्फ चूज करना है. तो नंबर ऑफ वेज वुड बी ए बी ए सी बी सी, दैट्स इट, सिर्फ तीन. क्यों? क्योंकि ए बी एंड बी ए हमारे लिए क्या होगा, सेम, क्योंकि चूज करना है, ऑर्डरिंग तो करनी नहीं, तो सिर्फ चूज करना है. बात समझे? तो चूज करने के लिए इसका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए थ्री. आई होप क्लियर हुआ. तो चूज करना एंड चूज करके अरेंज करना, दोनों में फर्क समझ आ रहा है, राइट? अगर हमने चूज करने के तीन तरीके, उसके बाद इसको अरेंज करने के इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, इसके दो तरीके, तो दैट विल बी सिक्स. तो वो एन पी आर का आंसर आ जाएगा कि हम सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं. लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन. ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर. राइट, तो अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं. मतलब सर उसका उल्टा नहीं आएगा, जैसे ए भी ए बी बी सी फिर बी ए नहीं आएगा उसका दोबारा? नहीं, ए बी का बी ए जो आएगा, ए बी और बी ए विल बी काउंटेड एज सेम, सिंगल केस काउंट करेंगे उनको, उनको दो अलग अलग केसेस काउंट ही नहीं करना. ठीक है सर. ठीक है. नाउ परमुटेशन के अंदर तो अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है ना, पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है. तो ए बी और बी ए जो है उसकी पोजीशन से फर्क पड़ेगा, तो ए बी और बी ए अलग काउंट होगा. लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, ए बी और बी ए के अंदर पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरेंजमेंट ही नहीं करनी, तो इसलिए ए बी और बी ए को सेम केस काउंट करेंगे. यानी कि ए बी एंड बी ए बोथ आर वन केस फॉर अस, उसको अलग अलग नहीं काउंट करना, तो एक ही केस है, दैट्स इट. अब मान ले तीन बच्चों के अंदर से दो मॉनिटर सेलेक्ट करने हैं. अब यार ए बी को सिलेक्ट करेगा, बी ए को सिलेक्ट करेगा, वो तो सेम केस हो गया ना, क्योंकि सिलेक्ट करना है, ये चीज हो. ठीक है. अब देखो, अब जैसे एन पी आर था, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? अब ये क्या चीज थी, ये था सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, राइट? ये सिलेक्शन जो है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन, राइट? ये सिलेक्शन का मतलब तो कॉम्बिनेशन है. तो हमने क्या किया, एन पी आर को, ठीक है, क्या लिखा, एन सी आर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन सी आर, चूजिंग आर आउट ऑफ एन. आई होप क्लियर हुआ. जैसे उसके अंदर परमुटेटिंग आर आउट ऑफ एन था, इसके अंदर क्या है, चूजिंग आर आउट ऑफ एन. हाथ ले पेट सिद्धि, चूजिंग आर आउट ऑफ एन. नाउ व्हाट इज द अरेंजमेंट. अब देखो यार, एन चीजों में से आर चीजों को ऑलरेडी चूज कर लिया हमने, तो किनको अरेंज करना है, अब जिनको ऑलरेडी चूज कर लिया, दैट इज आर चीजों को, जिनको चूज कर लिया उनको अरेंज करना है. तो आर चीजों को, आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल, तीन को अरेंज करने के थ्री फैक्टोरियल, चार को चार, पांच को पांच फैक्टोरियल. तो आर चीजों को अरेंज करने के तरीके आर फैक्टोरियल, तो अरेंजमेंट के आर फैक्टोरियल. लेकिन बीच में एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो हमारा ये बना पी का एंड सी का आपस में रिलेशन, दैट इज एन पी आर is equal to NCR into R factorial. अब इसका formula already हमने derive किया हुआ है, उसको divided by R factorial कर देंगे, we'll get the value of NCR. तो NPR का formula N factorial by equal to NCR into R factorial. R factorial को cross multiply करके divide किया, तो N factorial divided by N minus R factorial R factorial. That is NCR. तो ये NCR का formula derive हो गया. बात खत्म, simple सी चीज. Example, जैसे यही था, तो ये आ जाएगा हमारा 3C2, तीन में से दो चीजों को सिलेक्ट करना, राइट? तो क्या आ जाएगा, देखो एनसीआर का कैसे याद रखना, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल. ठीक है, तो इधर क्या आ गया, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस वन, तो वन फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया. अब थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल वन, तो कटके, तो ये भैया थ्री केसेस थे वो वाले, राइट? तो जैसे एनपीआर हमें नंबर ऑफ केसेस देता है, ऐसे ये हमें नंबर ऑफ केसेस देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के. हाँ जी, ऑनलाइन आई होप क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो. यस सर. राइट, अच्छा, अब एनसीआर मतलब क्या, इसका चूजिंग आर आउट ऑफ एन, इसको रीड करने का तरीका. ठीक है, जैसे एनपीआर होता था चूजिंग आर आउट, परमुटेटिंग आर आउट ऑफ पी, आर आउट ऑफ पी नहीं, आर आउट ऑफ एन, ऐसे ये क्या होता है, चूजिंग आर आउट ऑफ एन, इसको रीड करने का तरीका. आर एन ऊपर, नेक्स्ट, जैसे हमारा एन पी आर जो है वो पी
एन कोमा आर के बराबर होता था रिप्रेजेंटेशन पार्ट, ऐसे ही हमारा एन सी आर जो है वो भी सी एन कोमा आर के बराबर तुम्हें देखने को बुक्स में मिल सकता है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। आई होप क्लियर हुआ। अब ये काम करो, नोट करो, रीजन क्लियर हुआ कहां से आया, राइट right? ये नोट करो, शाबाश। अब जो पार्ट आएगा, ठीक है, एनसीआर की पहले बेसिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल देखा था हमने स्टार्टिंग में, ऐसे एनसीआर, राइट right? चलो हाँ जी प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ठीक है, सबसे पहला एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है, देखने में ये अजीब लगता है बट एक्चुअली में ये बराबर है। कैसे, देखो पहले एग्जांपल देखो इसका, जैसे 14C6 है, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो करना क्या है, एनसीआर जो है एनसी एन माइनस आर के बराबर, मतलब ऊपर वाली चीज सेम रखनी है, तो 14C और यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, एन और आर का डिफरेंस यहां पे आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, तो इधर 8, तो 14C6 की वैल्यू और 14C8 की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी, सेम। मतलब अगर 14 में से 6 चीजों को चूज करना है या 14 में से 8 चीजों को चूज करना है तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। कैसे, पहले इसका देखो जरा, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल, हाँ या ना, राइट। अब इसका ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, एन दोनों का डिफरेंस करो, एन माइनस आर, ये कटा तो आर फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो सेम चलेगा भैया, ध्यान से देखो, राइट right? ऐसे ये चीज क्या जाएगी, 14 फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 8 फैक्टोरियल, अच्छा ये क्या गया, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर है यार, सो दैट इज वाई एनसीआर और एनसीएन माइनस आर जो है ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, यस सर, राइट। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमने लास्ट चैप्टर परमुटेशन के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 11th का सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, और तब मैंने बोला भी था ये सी की प्रॉपर्टी है, ये सी में आएगी, अब वही प्रॉपर्टी देख के तुम्हें पता चल जाएगा, क्या प्रॉपर्टी है, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। पहले हमने फैक्टोरियल के अंदर प्रॉपर्टी देखी थी वो, इसलिए तुम्हें अभी रिलेट नहीं कर पा रहे हो, जब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा फिर मैं भी रिलेट कर पाओ, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, एनसीआर प्लस एन सी आर प्लस वन, दोनों ऊपर एन सेम होने चाहिए, नीचे एक आर और एक आर प्लस वन, एक छोटा और एक जस्ट उसका अगला बड़ा वाला नंबर होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट क्या जाता है, ऊपर वाला एन जो है उसके अंदर प्लस वन कर दो और नीचे जो है दोनों में से जो बड़ा है वो लिख दो। एग्जाम्पल, ठीक है, 14C6 प्लस 14C7 दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा कब ऐड कर पाएंगे, जब ऊपर वाली चीजें सेम है और नीचे वाली में एक का फर्क है, ऊपर वाली चीजें सेम है नीचे में एक का फर्क है, तो ऊपर वाली में प्लस वन कर दो दैट इज 15C, दोनों में से जो बड़ा है 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ जी, ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्लियर हुई, यस सर। आई कहां से, आई कहां से, लेट्स प्रूव, नींद आ रही है पक्का, सर ये जो अभी एग्जांपल लिखे थोड़ी सी नीचे करके लिख दो, लाइट पड़ रही है वहां पे दिखने का। अच्छा अच्छा, तो 14C6 प्लस 14C7 दैट इज 15C7, अब आया कहां से, देखो
मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा एनसीआर, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, ये क्या आएगा एन फैक्टोरियल बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस किया एन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, दिस माइनस दिस करूंगा दोनों के साथ नेगेटिव जाएगा फैक्टोरियल, किसके इक्वल प्रूव करना है एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल, और जब इन दोनों का डिफरेंस किया राइट दिस माइनस दिस के वन वन कटेगा तो सिंपली एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये अपने को प्रूव करना, और ये था उसका सेकंड क्वेश्चन। अब उसके लिए हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया था, और उसके लिए हमने क्या किया था ध्यान से देखो, आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिखा था आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, और इसको लिखा था एन माइनस आर बाहर ले लिया और बचा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ताकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो देखो ये पूरी चीज क्या बनी, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे आ गया आर फैक्टोरियल एज इट इज, इसकी जगह एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस ये वाला दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का फैक्टोरियल आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये आ गया राइट। अब क्या हुआ आर फैक्टोरियल सॉरी एन फैक्टोरियल कॉमन, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या बचा इधर बचा वन बाय एन माइनस आर प्लस वन बाय आर प्लस वन, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है श्योर, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है राइट, एलसीएम ले लो yes, ये इधर ये इधर, तो आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में एन माइनस आर एंड आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, अब देखो ये कटा तो बचा एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल, अच्छा एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यही हमें प्रूव करना था, सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ yes, sir. कर लो नोट कर लो, अरेश डन कंफर्टेबल बिशप रेणुका आयशा लिख रहे हो अभी चलो अब आगे देखो थर्ड प्रॉपर्टी ठीक है कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई अगर आ गया ठीक है प्लीज इधर छोड़ दो अब आ जाओ इधर फोकस एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई अगर आ गया ठीक है यानी कि ऊपर सेम है नीचे अलग अलग है तो इसके दो केसेस बनेंगे या तो x इक्वल टू y होगा या तो भाई दोनों बराबर हो जाए तभी जाके बराबर हो जाएगा क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एग्जैक्टली सेम टर्म बन जाएगी ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा और n x प्लस y इज इक्वल टू n हो जाए ठीक है एग्जांपल n चलो n छोड़ो 14c6 इज इक्वल टू 14cx तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या तो x 6 के बराबर होगा और इन दोनों का सम x प्लस 6 14 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब तुम खुद सोचो 14c6 के बराबर होगा या तो 14c6 14c
ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, तो यस ऑब्वियसली दीज टू आर ट्रू, बट ये दोनों कंडीशन कहां से है? ये तो एग्जांपल हो गया, ये आया कहां से ये दोनों चीजें? ठीक है, अब देखो यार, ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि अगर NCX NCY के बराबर है तो X और Y अगर बराबर हो गए तो यस ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है ना। अब चार केसेस बनेंगे इसके, या तो NCX या तो NCN माइनस X, हाँ या ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है और इसको किसके बराबर दे रखा है, NCY, एंड NCY NCN माइनस Y के बराबर होगा, राइट। तो देखो या तो ये इसके बराबर हो जाए, या तो ये इसके बराबर हो जाए, या तो ये इसके बराबर हो जाए, हाँ या ना। अब अगर ये इसके बराबर हुआ, सॉरी ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता ना, अदरवाइज x जो है वो n माइनस x के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू ढूंढना मोटिव नहीं है हमारा, x और y का रिलेशन ढूंढना मोटिव है ना। तो ये दोनों तो बराबर होने का मतलब ये है कि ये NC6 is equal to NC, sorry, अपना 14C6 equal to 14C8 हो जाए, वो तो हो गई होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे होंगे, राइट। तो या तो ये दोनों बराबर हो जाएं x equal to y, या तो ये दोनों बराबर हो जाएं, तो x is equal to n minus y, तो x plus y that is equal to n, तो यहां से x plus y equal to n आ जाता है। प्रॉपर्टी सिंपल है, बड़ी सिंपल सी चीज है, क्लियर हुआ ये चीज? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, नोट करो, मतलब ये तो गिवन है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक्स एंड वाई में कंडीशन ढूंढनी, दिस इज गिवन ना, इफ लेके चलो एंड ये देन आ गया। चलो जैसे इस क्वेश्चन में ये गिवन है, बराबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अरे ये तो इसके बराबर होगा ना यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी चलें, ऑनलाइन चलें? यस सर। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वो बाइनोमियल के रिलेटेड हैं, तो लास्ट में जब बाइनोमियल का चैप्टर देखेंगे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो तब देखेंगे वो चीज, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहीं पे खत्म कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, इसके क्वेश्चंस लास्ट में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी डायरेक्टली आ रहे हैं पी से सी के ऊपर, यानी कि सी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चीज मेंशनड नहीं होगी कि अरेंज हो गया, चलो अब आ जाओ इधर फोकस। नाउ क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होगी कि भैया अरेंजमेंट करना है या नहीं करना है, पी लगाना है या सी लगाना है, ये तुम्हें खुद चूज करना है, और ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, डायरेक्टली नहीं कभी गिवन होगा, तो तुम्हें खुद सोचना है जो गिवन सिचुएशन है इसके अंदर कॉम्बिनेशन करने हैं या कॉम्बिनेशन करके अरेंजमेंट करने, ये खुद सोचना पड़ेगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखो। हाँ जी नहीं नहीं ऑब्वियसली फिर नहीं हो सकता, ऊपर वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो जरा। If there are 12 persons in a party, focus. If there are 12 persons in a party, and each two of them
एंड ईच टू ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर How many handshakes? How many handshakes happen in total? How many handshakes happen in total? How many handshakes happen in total? Right? अब ये मैं समझाता हूं पहले, ठीक है? प्लीज फोकस इधर छोड़ दो, अगर आता भी है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है? ऑनलाइन प्लीज इधर फोकस सारे। नाउ अगर एक हैंडशेक करना है तो वी नीड टू पर्सन। अब यार ए ने बी के साथ हैंडशेक किया या बी ने ए के साथ हैंडशेक किया, इट डज नॉट मैटर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल हैंडशेक। सो ए बी एंड बी ए इज कंसिडर्ड एज द सेम केस, यानी कि हमें तो सिर्फ सिलेक्ट करना है, हमें सिर्फ चूज करना है। तो जितने तरीकों से दो पर्सन को चूज किया जा सकता है तो दो पर्सन का कॉम्बिनेशन एक हैंडशेक कर देगा। तो जितने तरीकों से दो पर्सन को चूज किया जा सकता है उतने हमारे नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएंगे। हाँ याना, क्लियर हुआ ये चीज? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। राइट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे जितने 12 में से मैं टू पर्सन को चूज कर सकता हूं। तो दैट इज 12C2, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल कटा तो 12 एंड 2 कटा तो बचा 66, तो टोटल 66 हैंडशेक होंगे। आई होप क्लियर हुआ। अब ये पता चला कि इसके अंदर ये इंक्लूडेड था अरेंजमेंट ना करना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इनडायरेक्टली होगा और ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। नोट करो जी, करो करो करो, नोट करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अ क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अ क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। Each containing 10 questions. If a student has to choose, if a student has to choose 8 from part A, 8 questions from part A and 5 from part B, and 5 from part B, in how many ways he can attempt the paper? In how many ways he can attempt the paper? ध्यान से करना, सोच समझ के पार्ट देख। तो पहले 10 क्वेश्चन का सेक्शन ए अलग है एंड अगले 10 क्वेश्चन का सेक्शन बी अलग है। तो अब वो बोल रहा है इधर से ही 10 क्वेश्चन चूज करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन में से 8 करने हैं और सेक्शन बी में से 10 में से 5 करने हैं। तो अगर नीचे से अटेम्प्ट करेगा तो तेरे को 5 चूज करने हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा तू बोल रहे कि अटेम्प्ट का अरेंजमेंट मैटर करेगा कि वो स्टार्टिंग से अटेम्प्ट कर रहा है इधर से अटेम्प्ट कर रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बता, मान ले तेरे पास 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तूने अगर इधर से अटेम्प्ट किए, इधर से किए या बीच से किए तो तूने फाइनल अटेम्प्ट किए 2 3 एंड 5, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब तू यार इधर से कर बीच से पहले थर्ड कर फिर सेकंड कर फिर, फर्क क्या पड़ा? फाइनल फाइनल जो है वो तो यही है ना कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने, उससे मैटर पड़ता, ठीक है ना? सो इट डज नॉट मैटर कहां से स्टार्ट कर रहा तू, फाइनल रिजल्ट जो है कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना? सो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। सो क्या आ जाएगा 10C8 10C5। अब ये भी सेक्शन करना है ये भी करना है तो एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दैट्स इट। अरेंज क्यों करना? अटेम्प्ट करने का मैं वही बोल रहा हूं ना कि 2 3 5 अटेम्प्ट किया आपने, राइट? ये 3 पहले थर्ड अटेम्प्ट किया फिर सेकंड किया फिर फाइव किया,
एंड प्रोडक्ट जो है अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पूछा उन्होंने, फाइनल कितने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मैटर करता है यहां पे, फाइनली कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो एक वे बनाएगा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया, फिफ्थ किया, अच्छा किसी ने फर्स्ट थ्री कर दिए, इनको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया वो नहीं फर्क पड़ता, फाइनल कितने क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो जो फाइनल मार्क्स आपको मिलेंगे वो टीचर पूछता है क्या कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया, तो फिर क्यों काउंट कर रहे हो? कहां अरेंज किया? क्वेश्चन बोलो जो इसके साथ मैच हो रहा है, जो जिसके अंदर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन बोलो एग्जैक्ट, ऐसा नहीं। अरे परमुटेशन में क्यों होता, पहली बात अरेंजमेंट तो मैटर ही नहीं करेगी। अगेन अगर आपको ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं, दोबारा एम्प्टी योर माइंड, दिमाग को खाली करो, जो आपके माइंड में ऑलरेडी एक डेफिनेशन जा चुकी है उसको खाली करो पहले प्लीज, और समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर पांच में से मेरे को तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैंने भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो क्या फर्क पड़ेगा क्या कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया फिर थर्ड किया या सेकंड किया? मैं जब पेपर सबमिट करके आऊंगा तो मेरा जो अटेम्प्ट का तरीका होगा तीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो होगा किसी और बच्चे का कंपैरेटिव, वो तो ये होगा ना कि कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, किस ऑर्डर में किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरे को करना क्या, पांच में से तीन चीजों को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन ना, दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय अटेम्प्ट, कि मैं तीन में से पांच में से तीन चीजों को अटेम्प्ट चूज कर रहा हूं। वही चीज इधर करनी है, दस में से आठ क्वेश्चन को चूज करना है, दस में से पांच क्वेश्चन को चूज करना है, वो किस ऑर्डर में कर रहे हैं इट डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं जब फाइनल पेपर सबमिट करूंगा इट डज नॉट मैटर, टीचर नहीं पूछता है यार, ये आपको पता है ये चीज ऑलरेडी। और अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि किस ऑर्डर में किया या कौन कौन से किए, कौन कौन से किए, दैट इज योर अटेम्प्ट, उसको काउंट करना है, उसके अंदर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, समझने की कोशिश करो, यहां पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, तो इसलिए हमने सिर्फ चूज किए, दस में से आठ चूज किए, दस में से पांच चूज किए, एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मेरे को ये भी करना है एंड ये भी करना है, डन। अब बताओ डाउट, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, समझ आ गया। यस सर, उठ के लिखा, हां फाइनल अटेम्प्ट का गल हो रही है, फाइनल अटेम्प्ट की गल हो रही है, ऑर्डरिंग नहीं। हाँ, पांच कोई भी अटेम्प्ट कर ले, दैट इज द वे, पांच किस ऑर्डर में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, कमेटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. From 9 women and 8 men. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done if at least 5 women If at least 5 women have to be included in the committee, how many ways this can be done if 5 women have to be included in the committee? Continuation mein, in how many of these committees, in how many of these committees The women are in majority. And in how many of these men are in majority? In how many of these women are in majority and in how many of these men are in majority? एक बार ये खुद सोचो. At least 5 women. बिल्कुल. देखो.
हाँ जी प्लीज. नाइन वुमेन एंड एट मैन, 12 की कमेटी बनानी है जिसके अंदर एटलीस्ट फाइव वुमेन वुमेन होनी चाहिए, कम से कम पांच. तो या तो फाइव वुमेन हो जाए, या तो सिक्स हो जाए, या तो सेवन हो जाए, या तो एट हो जाए, या तो नाइन, क्योंकि मैक्सिमम नाइन ही है हमारे पास यहां से सिलेक्ट करना हमें. तो अगर वुमेन फाइव है तो मैन कितने होंगे? सेवन, ताकि टोटल सम हो जाए 12 की कमेटी बनानी है. और अगर सिक्स है तो इधर सिक्स, सेवन है तो इधर फाइव, एट है तो इधर, इधर नाइन है तो इधर. तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस. हाँ जाना, आइदर द कमेटी विल बी ऑफ फाइव वुमेन एंड सेवन मैन, और सिक्स वुमेन सिक्स मैन, और सेवन वुमेन फाइव मैन, और एट वुमेन फोर मैन, और नाइन वुमेन थ्री मैन. अब इसके कितने केसेस आएंगे? जितने नाइन में से मैं फाइव वुमेन को चूज कर सकता हूं, नाइन सी फाइव एंड इसके एट सी सेवन. अब क्योंकि मेरे को 12 की कमेटी बनानी, तो ये भी चूज करने एंड ये भी चूज करने, तो मल्टीप्लाई. तो ये आ गया फर्स्ट केस का आंसर. और सेकंड का 9c6 8c6 मल्टीप्लाई, इसका 9c7 8c5 मल्टीप्लिकेशन, इसका 9c8 एंड 8c4 मल्टीप्लिकेशन, इसका 9c9 एंड 8c3 मल्टीप्लिकेशन. Now either this or this, तो addition, or this addition, or this addition, or this addition. तो ये आ गए total cases. हाँ जी, please confirm करो, clear हुआ online? Yes sir. Yes sir. किसी को doubt है तो बोलो. Multiply करने के बाद सभी को plus कर देना ना. Yes. इसका answer आ रहा है 6062. ठीक है? एक बार calculation check कर लेना. Now, अब इन्हीं में वो cases बोला वो ढूंढो जहां पे मेन मेजोरिटी में. तो भैया कौन से केसेस है जहां पे मेन मेजोरिटी में सिर्फ एक ही केस है, दैट इज फाइव वुमेन एंड सेवन मैन वाला. तो सिर्फ दिस इज आंसर फॉर मेन मेजोरिटी एंड वुमेन मेजोरिटी वाले, ये तीन केसेस, क्योंकि इसके अंदर तो इक्वल नंबर है. तो ये तीन केसेस जिसके अंदर वुमेन मेजोरिटी में. क्लियर हुआ? ये वाला तो सिंपल था. अगर ये केसेस फाइव निकल आते तो अगला वाला सिंपल था. चले आगे, नोट कर लो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन. देन चले. Yes, sir. In how many ways? Next question. In how many ways can a cricket team? Can a cricket team of 11 be chosen out of 15 players? In how many ways can a cricket team of 11 be chosen out of 15 players if, first case, there is no restriction on the selection? First case, there is no restriction on the selection. Second case, a particular player is always chosen. A particular player is always chosen. Third case, a particular player is never chosen. A particular player is never chosen. Socho. देखो, टोटल 15 प्लेयर्स हैं, राइट? एंड इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट पार्ट, हमें 11 की टीम को सिलेक्ट चूज करना ना, 11 प्लेयर को चूज करना, तो 11 की टीम आ जाएगी. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 15 सी
11, that's it. I hope clear हुआ, online clear है यहाँ तक? Yes, sir. Right? Yes, sir. ये आ गया first part. Second. Second में बोल रहे कि particular player is always chosen. मतलब 11 में से एक player को already choose कर रखा है. मतलब 15 में से obviously एक player जो है वो already selected है. अब और कितने select करने हैं? 10. कितने में से? 14. क्योंकि 15 में से एक तो already chosen है. तो बाकी बचे 14. 14 में से अब 10 choose करने हैं. तो 14 C 10. ये आंसर आ जाएगा. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Right? Yes, sir. थर्ड पार्ट. अब एक प्लेयर को कभी चूज नहीं करना, तो 15 में से वो वाला एक प्लेयर हटा दो, तो बाकी 14 में से अब 11 चूज करने, तो 14 सी 11. तो ये थर्ड पार्ट आ गया. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर. गुड. चलो